सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गेरेट। सो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो बेसिकली बेस्ड रहने वाली है कि जो अपकमिंग फेसलिफ्टेड वर्जन आने वाला है ऑफ द किया सेल्टोस, उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं, क्या कुछ एडवांस फीचर्स आएंगे, एंड अब वाली किया सेल्टोस यानी कि जो करंटली किया सेल्टोस आ रही है उससे क्या कुछ डिफरेंसेस जो है वो नई वाली फेसलिफ्टेड किया सेल्टोस में रहने वाले हैं, क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, तो इसके ऊपर जो है बेसिकली आज की पूरी प्रॉपर वीडियो रहने वाली है। तो अभी जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किया सेल्टोस 2022 एंड में लॉन्च होगी इंडिया में या 23 में होगी यानी कि 2023 में, तो कोई श्योरिटी नहीं है उस बारे में। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर सारे टीजर्स एंड इमेजेस देख रहे हैं किया सेल्टोस फेसलिफ्टेड वर्जन के, ये जो है इंटरनेशनल मार्केट यानी कि ग्लोबली जो वर्जन बेचा जाने वाला है किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का, उसके सारे टीजर्स एंड उसकी इमेजेस जो है आप लोग ये चेकआउट कर रहे हैं। इंडियन मार्केट की अभी कोई अपडेट नहीं है। जो भी एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो किया सेल्टोस लॉन्च की जाएगी उसके अंदर क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी तक जो इंडियन मार्केट के अंदर है वो यही सीन है कि ये जो कार है 2023 में आएगी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में या फिर जनवरी 2023 में जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च एंड अनवील की जाएगी, बट अभी तक तो यही है कि 2023 में आएगी। बाकी गाइस, अगर ये 2022 में आई तो लास्ट ऑफ 2022 में ही आएगी, तो ये सारी होगी ये सारी बात कि मतलब कार जो है कब लॉन्च होगी इंडिया में। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो आप करंटली इसकी पिक्स वगैरह देख रहे हैं ये सारी जो है इंटरनेशनल मार्केट यानी कि ग्लोबली जो कार बेची जा रही है उस वर्जन की पिक्स है ये, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो मैं डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। सो ये डिफरेंसेस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि फेसलिफ्टेड वर्जन ऑफ किया सेल्टोस में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो इंडियन वर्जन आएगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। सो एक्सटीरियर्स में बात करें एंड फ्रंट लुक्स की बात करें, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है कार का फुली जो है टोटली न्यू रीडिजाइंड फेशिया मिलने वाला है, फ्रंट फेशिया, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर के अंदर जो है जो गाइस ग्रिल है वो ग्रिल की जो पोजीशन है वो पहले वाली किया सेल्टोस यानी कि करंटली जो किया सेल्टोस आ रही है उसके कंपेयर में थोड़ी लोअर कर दी गई है गाइस, जो ग्रिल की इसकी पोजीशन है। एंड ग्रिल जो है आप लोगों को टोटली पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो है देखे जाने वाली है। एंड ग्रिल के ऊपर गाइस आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा भी दिख रहा होगा जो यानी कि फ्रंट कैमरा, ये न्यूज़ गाइस कन्फर्म है कि कार के अंदर आप लोगों को इस बार ही 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिलने वाला है, ये बात की गाइस पूरी श्योरिटी है। एंड इंडियन जो वर्जन है उसके अंदर भी 360 डिग्री कैमरा तो ज़रूर आने वाला है, तो गाइस ये बात श्योर है बिल्कुल। एंड उसके बाद हेडलैम्प्स की बात करें तो गाइस हेडलैम्प्स एंड ओवरऑल जो फ्रंट फेशिया वो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो गाइस बिल्कुल सिमिलर है करंटली किया सेल्टोस जो आ रही है उसके कंपेयर में, बट हाँ जो इन्होंने डिज़ाइन किया गया रीडिज़ाइन किया गया जो ओवरऑल फ्रंट फेशिया ग्रिल चेंज्ड है, 360 डिग्री कैमरा आप लोगों को दिख रहा है, एंड हेडलाइट्स जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है करंटली जो वर्जन आ रहा है उससे, बट हाँ इन्होंने कहीं ना कहीं एन शेप जो है DRLs देने की कोशिश की है गाइस, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी एंड काफ़ी ज़्यादा गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन से जो है ये डिज़ाइन किए गए हैं इसके हेडलैम्प्स एंड ओवरऑल जो फ्रंट फेशिया। फॉग लैम्प्स की बात करें तो फॉग लैम्प्स वही सेम रहने वाले हैं, आइस क्यूब फॉग लैम्प्स, एंड नीचे आप लोगों को एयर डैम्प्स मिल जाएंगे, एंड आप लोगों को सेंटर में रडार लगा हुआ भी दिख रहा होगा, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर, तो ये जो रडार है ये वो है एडास का। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो किया सेल्टोस है उसके अंदर एडास दिया गया है, इंडियन मार्केट के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि एडास वाले फीचर्स आएंगे जैसे XUV700 में आते हैं, तो एडास फीचर्स कौन कौन से आएंगे, एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडप्टिव ब्रेकिंग एंड ऑल जो भी फीचर्स होते हैं एडास वाले वो अभी एक्सपेक्टेड है कि एडास आएगा। एंड इंडियन मार्केट में एज कम्पेयर टू द ग्लोबली जो वर्जन बेचा जा रहा है इस किया सेल्टोस का उसके कंपेयर में थोड़े कम भी फीचर्स आएंगे एडास वगैरह के। तो ये सारा था गाइस ओवरऑल फ्रंट फेशिया। साइड लुक्स की बात करें तो गाइस साइड से जो है बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है करंट वर्जन से किया सेल्टोस, साइड में मेजरली एक ही चेंज रहने वाला है वो है अलॉय व्हील्स का। सो गाइस आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर रहे हैं ये जो अलॉय व्हील्स है ये है 18 inches के, एंड ये स्टार कट डायमंड कट अलॉयज एंड ड्यूअल टोन एंड स्टार कट अलॉयज रहने वाले हैं ये, तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हैं, बट गाइज इंडियन वर्जन में जहाँ तक मुझे लग रहा है वो यही एक्सपेक्टेड है कि जो इंडियन वर्जन है उसके अंदर आप लोगों को 17 inches के अलॉयज ही मिलेंगे। हाँ एक्स लाइन में ज़रूर हो सकता है, जैसे कि अभी एक्स लाइन वर्जन में आप लोगों को 18 inches वाले अलॉयज मिलते हैं वैसे ही आप लोगों को एक्स लाइन में ज़रूर ये वाले अलॉयज मिल सकते हैं, बट ओवरऑल जो गाइज इसके अंदर अलॉयज है स्टैंडर्ड जो वेरियंट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को ओनली एंड ओनली 17 inches के ही अलॉयज देखने को मिलने वाले हैं। बाकी गाइज साइड प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है, सिर्फ अलॉयज चेंज मिलेंगे आप लोगों को, एंड 360 डिग्री कैमरा तो आप लोगों को ORVMs के नीचे कैमरास प्लेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी गाइस रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल में आप लोगों को अगेन
प्योरली रीडिजाइन रियर प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सेंटर में स्टनिंग वही अपना किया का लोगो देखने को मिलने वाला है सिल्वर फिनिश में, एंड आप लोगों को न्यूली डिजाइन कनेक्टेड LED टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं किया सेल्टोस फेसलिफ्टेड वर्जन में, एंड रियर वाइपर रियर डिफॉगर वो सब कुछ आ जाएगा। एंड बम्पर की बात करें तो गाइस रियर बम्पर भी आप लोगों को प्रॉपर रीडिजाइन बम्पर देखने को मिलने वाला है। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं गाइस जो कि यह सेल्टोस है फेसलिफ्टेड वर्जन का रियर जो बम्पर है वो प्रॉपर रीडिजाइन बम्पर है। एंड गाइस ये जो आप एग्जॉस्ट टिप देख रहे हैं एग्जॉस्ट टिप वगैरह जो है अपने को जैसे Hyundai के N-Line वर्जन हैं उनके अंदर आता है, वैसे ही किया सेल्टोस में भी हो सकता है कि ऐसे कुछ X-Line में दे दे, बट उस बात की कोई श्योरिटी नहीं है एग्जॉस्ट टिप ऐसी कुछ आएगी या नहीं आएगी। बाकी गाइस रिफ्लेक्टर्स वगैरह की जो प्लेसमेंट है स्किड प्लेट्स होगी एंड ओवरऑल जो बम्पर की डिजाइनिंग है तो गाइस बम्पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्यारे तरीके से एंड काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है। कार की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। बाकी गाइस एक्सटीरियर्स में सारे यही कुछ चेंजेस से अब हम लोग फाइनली मूव करते हैं कार के इंटीरियर्स में, तो लेट्स मूव टू द इंटीरियर। सो गाइस इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर्स बेसिकली आप लोगों को जो है सिमिलर ही देखने को मिलने वाले हैं कि यह सेल्टोस फेसलिफ्ट में, बट हाँ रीडिज़ाइन किया गया इस इंटीरियर को। तो डैशबोर्ड जो है वो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है, एंड लेदर अपोल्स्ट्री का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है डैशबोर्ड पे भी, एंड जो सीट्स हैं वो भी आप लोगों को लेदर अपोल्स्ट्री के साथ ही मिलेगी। इंटीरियर के जो कलर थीम्स हैं वो आप लोगों को डिफरेंट मिल जाएंगे, ब्लैक हो गया टैन कलर हो गया वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। ये सब जो है कार के कलर के अकॉर्डिंग एंड आप लोगों की प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं कि आप लोगों को कौन सा कलर जो है वो चाहिए, तो उस हिसाब से आप लोग जो है कार परचेस कर सकते हैं। इंटीरियर में आप लोगों को 2-3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, 2-3 जो चॉइसेस हैं वो देखने को मिल सकती है। एंड गाइज उसके बाद बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड जो है गाइज हमेशा की तरह से किया सेल्टोस का ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम जो है लग्जरी फील दे रहा है गाइज ये जो डैशबोर्ड है आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज आप लोगों को जो गाइज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है प्रॉपर एकदम कनेक्टेड सेटअप देखने को मिलने वाला है जैसे अपनी XUV700 में आता है जस्ट सेम लाइक दैट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपने को जो है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा कर्व्ड देखने को मिलने वाला है, एंड ओवरऑल जो ये डिस्प्ले है कितनी ज़्यादा स्टनिंग लग रही है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पहले अपने को सेमी डिजिटल देखने को मिलता था, बट वहीं अब आप लोगों को जो है ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। एंड स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो गाइस ये स्टेयरिंग व्हील वही अपना सेम रहने वाला है, बट पियानो ब्लैक टच आने वाला है बीच में, लेदर रेड स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है। एंड गाइस ओवरऑल जब बात करें इंटीरियर्स के, इंटीरियर्स लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, एंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ये देख रहे हैं जैसे मैंने बताया है ग्लोबली वर्जन है, तो इसलिए आप लोगों को ये LHD वर्जन देखने को मिलने वाला है यानी कि लेफ्ट हैंड ड्राइव। इंडियन जो वर्जन आएगा वो वही अपना राइट हैंड ड्राइव आएगा, तो अभी ये सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे कि राइट हैंड ड्राइव वर्जन के अंदर कार कितनी ज़्यादा सही है कितनी ज़्यादा नहीं है, ये क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी क्या कुछ अपने को इंडियन वर्जन में देखने को मिलने वाला है। गियर नॉब की बात करें तो गियर नॉब अपने को जो है टोटली डिफरेंट देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर कोई गियर नॉब नहीं मिलने वाली है, रोटेटरी नॉब मिलने वाली है ऑटोमेटिक वर्जन में, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है जस्ट लाइक जैसे नेक्सॉन EV मैक्स के अंदर आती है गियर नॉब वैसी देखने को मिलेगी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है जैसे आप लोगों को कार के अंदर, तो इंटीरियर्स बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है, वेल रीडिजाइन किए गए हैं जो इंटीरियर्स हैं, तो कार इज़ लुकिंग वेरी स्टनिंग फ्रॉम एक्सटीरियर्स एंड इंटीरियर्स बोथ। इंजन के अंदर कोई चेंज नहीं रहने वाला, इंजन ऑप्शंस वही सिमिलर रहेंगे अपने जो अब तक आ रहे हैं। एंड गाइस कार का जो प्राइसिंग है वो गाइस टॉप एंड वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ की जाने वाली है, 1-1.5 लाख तक इंक्रीज़ होगी जो प्राइसिंग है श्योरिटी के साथ। बाकी गाइस फीचर्स भी तो इतने सारे अपग्रेड हो रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा, एडास, एंड फुली टच स्क्रीन हो गया अपना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है गाइस, एंड इतने सारे लग्जरी इंटीरियर्स। एंड उसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग की बात करें तो एम्बिएंट लाइटिंग तो अपने को मिल ही रही है, प्राइसिंग वही बेस वेरिएंट्स की ऐसे इंक्रीज नहीं होगी, टॉप एंड वेरिएंट की जो है मैंने बताया तुम्हें 1-1.5 लाख जो है इंक्रीज हो सकती है। एंड गाइस सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी गाइस अब जैसे किया कैरेंट्स में बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड है 6 एयरबैग्स, वैसे ही किया सेल्टोस में भी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर देंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। तो गाइस ये थी सारी डिटेल्स एंड चेंजेस ऑन द अपडेटेड फेसलिफ्टेड वर्जन ऑफ द किया सेल्टोस जो कि अभी इंडियन मार्केट में 2023 में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च किया जाएगा, बाकी 2022 एंड में भी लॉन्च किया जा सकता है जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो ऑन द डिफरेंसेस एंड ऑन द अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग फेसलिफ्टेड वर्जन ऑफ द किया सेल्टोस।
तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। होप से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग वेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते इस अपडेटेड फैसिलिटेड वर्जन के अंदर, क्योंकि जहां तक अब तक एक्सपेक्ट किया गया है कि ये जो कार है ये आप लोगों को 2023 में ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है, 2023 फर्स्ट क्वार्टर, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आप लोगों को पता लगे न्यू वीडियो वॉज गोन लाइव। सो Bye guys, I will see you in the next video.